गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है? सुबह कैसी गुजरी आपकी? सुबह तो खैर हो गई है, बहुत सारे लोग तो सुबह उठ ही नहीं रहे आजकल, आए भी बंद करें, बहुत सारे लोग तो सुबह उठ ही नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ कर दी गई हैं और बहुत सारे लोग अपनी नींद पूरी करके उठते हैं, क्योंकि हस्बैंड के लिए थोड़ा सा देर से आप उठ सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता था, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी नींदें पूरी हो रही हैं कि नहीं? या वो बच्चे वही जगा रहे रातों को हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, बच्चे हर चीज़ फॉलो करते हैं अपने माँ बाप की। अगर आपके घर में ये रिवाज है कि भाई 2-3 बजे से पहले सोना ही नहीं है, तो वो बच्चे स्कूल जाने की वजह से मजबूरन सो तो जाते थे, लेकिन आप लोगों की जो आदत है वो ग्रैब करके अंदर, अब उनकी सुबह छुट्टी है तो वो जाग रहे हैं। तो घर में ये माहौल है अब जो मैं देख रही हूँ अमूमन, जिससे मुझे पता भी चल रहा है, रात को देर देर तक जागा जा रहा है और सुबह मुश्किल हो रही है। बहुत सारे ट्यूशन टीचर्स आके घर में पढ़ा रहे हैं क्योंकि बच्चों का बड़ा नुकसान हो रहा है, और अब अल्लाह रहम करे कि ये सब आफात से हम कब बच पाएंगे। वैसे बाकी बच्चे माँ बाप को हर चीज़ में फॉलो करते हैं, उनकी बुरी आदत को भी एक्सेप्ट करते हैं, उनकी अच्छी आदत को भी ग्रैब करते हैं, जज्ब करते हैं। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप के प्रोफेशंस को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, अक्सर ये देखा गया है। अगर मैं आपको मिसाल देती हूँ, मेरे पास तस्वीरें भी है ना, वो मैं दिखा सकती हूँ। मलका तरन्नुम नूर जहाँ हमारी मैडम, कौन उनसे वाकिफ नहीं, उनकी बेटी जिनका नाम है ज़िले हुमा, जिनका नाम लाइक ऑब्वियसली वो भी अब हमने नहीं है, ज़िले हुमा बेहतरीन सिंगर रही हैं अपने माँ की नक्शे कदम पे चलते हुए। फिर जी नेक्स्ट पिक्चर पे अगर आप आए तो मैं नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाऊंगी, अलन फ़कीर के बेटे फ़हीम साहब, ये भी फ़हीम अलन, ये भी जो है बाप के नक्शे कदम पर चले। फिर मेरे मरहूम ससुर फरीद नवाज़ बलोच के बेटे दोनों, यासिर नवाज़ बलोच और दानिश नवाज़, ये दोनों भी अपने अब्बा के नक्शे कदम पे चले। तालियां सिर्फ आपने मेरे ससुर के नाम पे बजाई। हाँ, और इसी तरह अगर मैं आपसे और आपको और बताती हूँ, जैसे निशो की बेटी साहिबा, वो भी अपनी अम्मा के नक्शे कदम पे चली और फिल्म स्टार बनी। फिर और भी बहुत सारे, मोइन खान जैसे क्रिकेटर हैं, उनके बेटे जो कि अभी पीएसएल में, आज़म उनका नाम है, आज़म खान, वो पीएसएल में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो आप ये देखें कि बेटा बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। और हमारी शेफ राहत आपा को कौन नहीं जानता, डंडना डंडन राहत किचन, तो उनकी बेटी मायदा भी उन्हीं के उनके नक्शे कदम पे चली और शेफ बनी। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पे चलते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करके उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे कहते हैं अब्बा हम आपकी फैक्ट्री नहीं संभाल सकते। अरे बेटा बुढ़ापे में मैं कैसे संभालूँ? नहीं अब्बा, हमने तो कुछ और पढ़ना है, हमने तो कुछ और पढ़ना है। ड्रामे फिल्में आप देख ही रहे होते हैं कि उसमें कैसे कैसी बातें होती हैं, लेकिन खैर ये लकी है माँ बाप वो जो बच्चे उनके नक्शे कदम पर चलते हैं या उनसे भी ज़्यादा नाम कमा लेते हैं। आज मेरा शो एक बड़ा डिफरेंट शो है, आज मेरे शो पे एक भरा पूरा ख़ानदान है। देखिए बड़ा ख़ानदान होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बड़े ख़ानदान में हर कोई डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी इस बात को इसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखने वाले हैं, क्योंकि 36 डॉक्टर्स एक फैमिली में होना ये एक बहुत बड़ी बात है। अम्मा डॉक्टर, बच्चे डॉक्टर, बहुएं डॉक्टर, दामाद डॉक्टर, उनके बच्चे डॉक्टर, अल्लाह, मुझे लगता है वो कांटे छुरी से नहीं स्टेटोस्कोप से कुछ खाते होंगे। मुझे लगता है उनके यहाँ हर वक्त टिश्यू पेपर नहीं रुई इस्तेमाल होती होगी। तो आइए मैं आपको आज के शो में मिलवाती हूँ अपने उन गेस्ट से जिनके घर में इतने सारे डॉक्टर्स अंडर वन रूफ हैं, और हमारे पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है कि लाइक आप कि मुल्क में इतने सारे डॉक्टर्स एक ख़ानदान में हैं। ये मैं इंटरनेशनल दुनिया को भी दिखाना चाहती हूँ कि आप ये ना समझे कि अगर हमारे मुल्क में लैक ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन की कमी है, तो
तो हमारे मुल्क में कुछ खानदान ऐसे भी हैं जिनकी कहानी सुनाकर आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के सिर्फ डार्क साइड्स नहीं हैं, ब्राइट साइड्स भी हैं। और आपकी ज़िंदगी, आपका ख़ानदान, आपका घराना, आपको लगता है अगर डार्क हो गया है, कस्मा पुरसी की हालत है, तो उसमें ब्राइटनेस, उसमें रोशनी कैसे आ सकती है, ये मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। हमेशा ऐसा होता है, हम किसी की कहानी सुनते हैं और उस कहानी से हमें मोटिवेशन मिलती है। हमेशा ऐसा होता है कोई हमें कोई ऐसी नसीहत टीवी पे कर जाता है, उसको पिक करके हम अपनी ज़िंदगी को मुश्किल से आसानी की तरफ ला सकते हैं। और मेरा यही काम है, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो टूटके हो, या चाहे वो एंटरटेनमेंट हो। अगर आप उदास बैठे में मुँह करके और अगर मेरी कुछ ऐसे कंटेंट से आपके मुंह पे हंसी आ जाती है, चाहे वो टिकटॉक के मेहमान हो या कोई किसी लाइक कोई और कंटेंट हो, तो क्यों हम कहेंगे उस कंटेंट को चीप। हमारे यहाँ हर किस्म का कंटेंट होता है और वो इसलिए होता है कि शायद आप किसी घेराव में हैं, किसी डिप्रेशन में हैं, किसी दुख में हैं, तो उससे निकल कर बाहर आए एक और नज़रिया आपको मिल जाता है इस शो से, और यही मेरा काम है। और सच्ची बात है, मैं सिर्फ एक क्लास को कैटर नहीं कर रही होती, मैं चाहती हूँ कि हर तरह की औरत मुझे देखे। और मैं आप में से हूँ, जैसे आप सीख रहे होते हैं हमारे एक्सपर्ट से, मैं भी सीख रही होती हूँ। और सीखते सीखते मैं अब इतनी थोड़ी मैच्योर हो गई हूँ कि मैं शायद आपके मसलों का हल आपको निकाल के दे सकूँ। ज़ाहिर है मैं घर घर तो नहीं जा सकती, लेकिन मेरा शो घर घर जा सकता है। मैं छोटे से वक्फे पे जाऊंगी और वक्फे पे जाने से पहले यही बताऊंगी कि सिर्फ 100 रुपए के 100 रुपए से आप खरीद सकते हैं मिली गोल्ड परचेज प्लान और शामिल हो सकते हैं उस कुरान दाजी में जो मैं रोज अपने शो पे करती हूँ, न्यू डे न्यू डिजाइन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद देखिए एक मुख्तलिफ शो विद 36 डॉक्टर्स अंडर वन रूफ। ज़्यादा मेरे पास गेस्ट है और सोचिए पूरा एक खानदान जो सारे डॉक्टर्स हैं। ओए अल्लाह, आप सोचेंगे बड़ी पढ़ी लिखी बातें होने वाली है शो पे और पता नहीं आपके सर से गुजर जाएंगी, लेकिन जो बातें अभी तक मैंने इनसे की हैं वो बहुत मज़ेदार बातें हुई हैं और आज का शो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आपको ह्यूमर के साथ इंटेलिजेंस भी मिलेगी और एक कहानी मिलेगी जो इनके ख़ानदान की कहानी है। आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ मैं बानो के ख़ानदान से। इस ख़ानदान में से मैं टीपू सुल्तान, डॉक्टर टीपू सुल्तान मेरे सामने, मैं इनसे मिली और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर टीपू सुल्तान अपने ख़ानदान के बारे में बताएँ। माशाल्लाह इतने सारे डॉक्टर्स अंडर वन रूफ, एक ख़ानदान में होना बहुत बड़ी बात है। और ये क्या कहानी है, ये कैसे यहाँ तक ये ख़ानदान पहुँचा, इतना सारा लाइक मैं तो पाकिस्तान का सरमाया है, मैं तो कहती हूँ कि एक फैमिली में इतने सारे डॉक्टर्स, मैं पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि हमेशा हमारे टीवी पे पाकिस्तान की डार्क साइड दिखाई जाती है, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं और एक ख़ानदान के इतने सारे लोग माशाल्लाह से। अब मैं चाहूँगी कि सब अपना अपना इंट्रोडक्शन कराएँ और किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं वो बताते चलें। चलिए जी, आपसे शुरू करते हैं जी। मेरा नाम शेषा है और मैं औरतों का डॉक्टर हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और यही मेरी दिलचस्पी है जी। मेरा नाम बीनेश, आपके पास माइक है? मेरे पास माइक। अच्छा सॉरी, मैं डॉक्टर बीनेश शारिफ सुल्तान हूँ और मैं पैथोलॉजिस्ट क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। और आप? और मैं डॉक्टर टीपू सुल्तान की बहू हूँ, बड़ी। ओके, अभी मैं सारी आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, एक्चुअली सिर्फ अभी मैं इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। मैं डॉक्टर अकमल सुल्तान हूँ। हाँ, आपका माइक है। डॉक्टर टीपू का बड़ा बेटा। अच्छा। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। सबसे बड़े बेटे? सबसे बड़ा बेटा हूँ। अच्छा। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, सिविल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर। और आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ? यस। अच्छा जी, डॉक्टर टीपू सुल्तान। मैं डॉक्टर टीपू सुल्तान हूँ, मेरा शोबा एनेस्थीसिया से ताल्लुक है, जिसको कि उर्दू में शोबा मौतली होश हवास बोलते हैं, आरजी। और एनेस्थेटिस्ट हूँ, इंटेंसिविस्ट हूँ और पेन मैनेजमेंट का डॉक्टर हूँ और रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मेरा नाम तलत सुल्तान है, मैं डॉक्टर टीपू की वाइफ हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों की डॉक्टर हूँ। हाँ। और मेरी प्रैक्टिस इसी में पूरी है। मैं डॉक्टर शाहीन जफर हूँ, इन 8 भाई बहनों में 5वां नंबर है मेरा। और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ,
मेरी स्पेशलिटी है इनफर्टिलिटी और टेस्ट ट्यूब बेबी. मेरा नाम सफिया जफर है, मैं डॉ यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ. मेरी स्पेशलिटी है एनेस्थीसिया, यानी बेहोश करना ऑपरेशन से पहले और फिर उठाना ऑपरेशन के बाद. मेरा नाम अबीरा है, मैं डॉक्टर चांदी बी सुल्ताना की बेटी हूँ और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ. मेरा नाम शर्जील सैयद है and I hope, happen to be the only one who is not a doctor in this family. और यही मेरी स्पेशलिटी है. इसीलिए इन पर ज़्यादा तवज्जो भी है. जी पीछे भी तो अभी तो ये बच्चे हैं पढ़ रहे हैं ना. जी हाँ मेरा नाम डॉक्टर निदा जमील है और मैं डॉक्टर चांद बीबी सुल्ताना की बड़ी बेटी हूँ. मेरी स्पेशलिटी में ऑब्स एंड गायनेक. ओके डॉक्टर चांद बीबी सुल्ताना आपकी बहन. हाँ थोड़े से माइक नंबर चार. अच्छा मेरा नाम डॉक्टर जमील रिजवी है और मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ. डॉक्टर चांद का हस्बैंड हूँ. मैं डॉक्टर चांद बीबी हूँ. हाँ और नंबर चार हूँ. मैं डॉक्टर यास्मीन सैयद हूँ. मैं डॉक्टर सिराज की वाइफ हूँ एंड मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ. मेरा माइक है आपके पास. मेरा नाम डॉक्टर सिराजुद्दौला सैयद है. मैं प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी था DMC में SMC में और मेरी स्पेशलिटी है पैथोलॉजी, खास करके हिस्टोपैथोलॉजी जिसमें कैंसर की डायग्नोसिस की जाती है. ओके और मैं नंबर टू. और आप नंबर टू भाई हैं. हाँ. मेरा नाम डॉक्टर फरजाद है, मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, डॉक्टर टीपू का दूसरा बेटा हूँ. अच्छा. और मैं डॉ यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया में हूँ. ओके. मेरा नाम डॉक्टर अंबर सुल्तान, अंबर शहीन सुल्तान है. मैं डॉक्टर टीपू की सबसे छोटी बहू हूँ. मैं आफान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट काम कर रही हूँ. मैं डॉक्टर आरिश हूँ, मैं डॉक्टर अफिया जो कि इन आठ में नंबर छः हैं उनका छोटा बेटा हूँ. मैंने अभी रिसेंटली अपनी हाउस जॉब ख़त्म की है तो मैं फर्दर स्पेशलाइजेशन इन हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी करूँगा. ओके तो इनके इनके अम्मी अब्बू बिजी हैं, वो नहीं आए हैं और इनकी जो बड़ी बहन है वो भी डॉक्टर हैं. इस फैमिली के 21 डॉक्टर्स मिसिंग है जो अभी नहीं आए क्योंकि कुछ यूके में रहते हैं, कुछ यूएसए में रहते हैं, कुछ बिजी हैं. तो 21 लोगों की वजह से भी मेरे पास जगह नहीं थी लेकिन वो मिसिंग है. मगर अब ये इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं चाहूंगी डॉक्टर टीपू सुल्तान माइक कांगे. हाँ आप सुनाएं अपने खानदान की कहानी. ये एक ऐसे कपल की कहानी है जिसने इतने सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान को दिए और वो कैसे दिए, शुरुआत कहाँ से हुई. आइए ये किस्सा ये कहानी आपको उनके बेटे की जबानी सुनाते हैं. कहानी से पहले एक मिनट एक बात बोलना चाहता हूँ. मुझे यहाँ आके पता चला कि बरसों पहले जो एक फिल्म बनी थी बानो की कहानी उसमें जो हमारी वालदा का किरदार अदा किया था वो इन्होंने अदा किया था. मुझे अभी पता चला. तो एक तरह से तो आप हमारी टेलीविजन वाली रिश्तेदार हो गई. आप मुझे अम्मी कह सकते हैं. ठीक है अम्मी. टीवी अम्मी. टीवी अम्मी. जी डॉक्टर टीपू सुल्तान शुरू करते हैं. जी बिल्कुल शुरू से बताएगा जैसे आपकी अम्मी जब आपके अब्बू से शादी हुई उनकी. जी जी बहुत बहुत शुक्रिया. ये एज यूजुअल इंडिया में अब्बा अम्मा की हमारे शादी हुई और मेरी वालदा 13-13.5 साल की थी जो कि 43-44 की बात है ये. उसके बाद फिर वो 48 में जब पाकिस्तान बना तो अब्बा अम्मा हमारे आ गए 1948 में और आ करके लियारी में उन्होंने झोपड़ी बनाई एक और वो रहना शुरू किया. उसके बाद फिर जैसे चलते रहे अपना मुख्तलिफ करते रहे तो इस वक्त हम लोग दो भाई थे मैं और नहीं, आपके अब्बू क्या करते थे, उनका क्या प्रोफेशन था. हमारे अब्बू उस वक्त सिर्फ मैट्रिक पास थे. अच्छा. और इंटर पढ़ रहे थे जिस जमाने में आए. और अम्मी तो, और अम्मा हाउस वाइफ थी. हाँ. बुरके में थी और सिर्फ कुरान शरीफ और उर्दू पढ़ना लिखना जानती थी. अच्छा. दैट इज 1948 1948 और लियारी आगरा ताज कॉलोनी
اور وہاں پھر ابا نے ہمارے اسٹرگل کرنا شروع کیا, وہاں ایک اسکول بنایا چیریٹیبل اسکول غازی محمد بن قاسم اسکول جو ابھی بھی ہے اور جو کہ کالج بن گیا ہے. سب سے پہلے ابا نے اپنی تعلیم مکمل کی, پڑھے لکھے وہ, اور کراچی یونیورسٹی سے ایم اے بی ٹی کیا ٹیچنگ میں اور اسلامک ہسٹری میں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک کالج قائم کیا. جب انہوں نے پڑھ لیا تو انہوں نے پھر اماں سے بولا کہ آپ بھی پڑھیے, اور اس وقت ہم تیسرے بھائی بھی آگے تھے, شیر شاہ بھی پیدا ہو گئے تھے, اور اماں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا 1952-53. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کہانی میں آپ کی سنا سکوں, کیونکہ میں نے آپ کی امی کا رول پلے کیا تھا, اور ہو سکتا ہے ڈاکٹرز اتنی اچھی کہانی نہ سنا چکے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کہانی بالکل ویسے سناؤں گی کہ ایک کپل جو کہ ایک لیاری میں آ کے یہاں شفٹ ہوئے ہیں, اور جس میں بیوی پڑھی لکھی نہیں تھی, ہسبینڈ میٹرک پاس تھے, پھر انہوں نے اور آگے تعلیم حاصل کی, ماسٹرز کیا انہوں نے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی بیوی کو بھی کہا کہ تم بھی پڑھائی کرو, دو بچے اس وقت ہو چکے تھے, پھر انہوں نے اپنی بیوی کو جو بیسک تعلیم تھی وہ خود دی, اور ایسا تھا اے بی سی ڈی سے پڑھائیں شروع, اے بی سی ڈی سے اپنے لائک بیوی کو خود پڑھایا ایک ہسبینڈ نے دو بچوں کے پیدا ہونے کے بعد, جسٹ امیجن. اس کے بعد ان کو جب 3 سال پڑھایا خود, پھر انہوں نے میڈیکل پڑھنے کے لیے آگے بھیجا, انہوں نے میٹرک پاس کیا 2 سال میں. اچھا 2 سال میں اے بی سی ڈی شروع کرنے کے 2 سال بعد انہوں نے میٹرک پاس کر لیا. اوکے, اور پھر وہ پرائیویٹ میٹرک پاس کیا, اور اس وقت آپ کتنے بہن بھائی پیدا ہوئے؟ تیسرے ہو گئے, تیسرے بھائی پیدا ہو, تین پیدا ہو چکے, تین پیدا ہو چکے تھے. اس کو بتا دوں, اچھا ہوا یہ کہ کہانی کون اچھی سناتا ہے؟ میں سنایا. اوکے ڈن ڈن. ہوا یہ کہ جب ابا نے فیصلہ کیا کہ پڑھنا ہے تو چاند بھی پیدا ہو چکی تھی, اور میں بہت تنگ کرتا تھا تو مجھے انہوں نے میری نانی کے پاس ہندوستان بھیج دیا. مطلب آپ تین بچے پیدا ہو چکے تھے اور وہ چوتھی چاند, تو میں ہندوستان چلا گیا. میری نانی اور خالہ نے مجھے پالا, اور میری والدہ کی بڑی اچھی بات یہ تھی, ایک بات بہت ضروری نوٹ کرنے کی ہے کہ میرے والد صاحب اسکول ٹیچر تھے لیکن بہت امیر نہیں تھے. میری والدہ پڑھتی بھی تھی اور وہ سلائی کی بڑی ماسٹر تھی. ان کو ان کی ساس نے سلائی کرنا سکھایا تھا, کشتکاری سکھائی تھی, تو وہ محلے والوں کے کپڑے بھی سی کر کے کچھ پیسے بناتی تھی. لیکن جب میرے والد نے ان کو بولا کہ پڑھنا ہے, تو میری والدہ کا بہت بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, تو ان کی ہمیشہ خواہش تھی کہ وہ پڑھیں. تو جیسے ہی انہوں نے بتایا کہ آپ نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے, تو ان کی تو سمجھ لیں کہ لاٹری نکل گئی. او آپ کی امی کو خود شوق بھی تھا. بالکل, انہوں نے فوراً اپنا برقعہ نکال کے سائڈ میں رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا. میرے دادا اور نانی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ وہ ہندوستان میں تھے, لیکن میری والدہ نے بولا اگر پڑھنا ہے دنیا میں جانا ہے تو سارے بیریئرز توڑنے ہوں گے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے والد کی اگر ان کو سپورٹ نہیں ہوتی تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پھر آگے بتائیں نا, آگے کیا ہوا؟ تو یہ میری والدہ نے پڑھنا شروع کیا اور 10 سال کا کورس 2.5-3 سال میں مکمل کر لیا اور میٹرک پاس کر لیا. تو اس زمانے میں میٹرک پاس کرنے کے بعد ایک کورس ہوتا تھا, کہتے تھے ایل ایس ایم ایف, ڈاکٹر کا لائسنس, وہ ہوتا تھا اس پاکستان میں. تو ان کا داخلہ اس پاکستان میں ہو گیا, 3 جگہوں پہ ہوتا تھا, بھاولپور میں, کوئٹہ میں اور اس پاکستان میں. ان کا داخلہ پورے پاکستان بیسس پر وہاں ہو گیا. تو 4 سال انہوں نے وہاں پڑھا, اور 4 سال میں جب وہ پڑھ کر کے کراچی واپس آئیں تو وہ ایل ایس ایم ایف تھی. اس زمانے میں حکومت نے ایک سسٹم شروع کیا کہ جو لوگ ایل ایس ایم ایف ہیں ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ دیا جائے گا تاکہ وہ ایم بی بی ایس کر لیں. تو ان کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہوا, اور اس زمانے میں بھائی جان جو ہیں انہوں نے انٹر پاس کیا, اور ان کا بھی داخلہ فرسٹ ایئر میں ہوا اور ان کا داخلہ فائنل ایئر میں ہوا. یعنی امی فورتھ ایئر جاتی تھی اور بیٹا جو ہے وہ فرسٹ ایئر, اور دونوں اکٹھے جاتے تھے. کیا ایسا ہوتا تھا؟ کوشش یہ کرتے تھے کہ اکٹھے نہ جائیں, کیونکہ اکٹھے جانے میں وہ ڈانٹتی رہتی تھی ان کو کہ پڑھتے نہیں ہو, یہ نہیں کرتے ہو. تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی صبح پتی گلی سے پہلے چلے جائیں, لیکن اس کالج میں جا کر کے ان کی جو ان کے ساتھ جو لڑکیاں پڑھتی تھیں بولتی تھیں بھائی تمہارا بیٹا کہہ رہے ہیں, تو ان کو بلانا پڑتا تھا. تو 1 سال تک یہ بتاتے ہیں ہمیشہ کہ 1 سال تک ان کو بڑی مشکل ہوئی جب تک وہ ساتھ ساتھ رہیں, لیکن جیسے ہی وہ ڈاکٹر بن کے ڈومل کالج سے باہر نکل گئیں, یہ آزاد ہو گئے ڈومل کالج میں اور کینٹین میں بیٹھنا شروع کیا. اور اس عرصے میں میرے والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا شاید, اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا بھی داخلہ میڈیکل کالج میں ہوا تھا. اچھا. لیکن وہ میڈیکل کالج میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے, تو میرے دادا کی مرضی کے خلاف وہ میڈیکل کالج سے بھاگ گئے. اچھا. لیکن ان کو اس بات کا میرے خیال میں افسوس رہا, تبھی وہ چاہتے تھے کہ ہر آدمی ڈاکٹر بن جائے.
तो उन्होंने हर एक को आस्ता आस्ता समझाना शुरू किया भाई डॉक्टर बनो डॉक्टर अच्छा, ब्रेन वॉश करते रहे आपका बचपन से कि डॉक्टर बनना है ब्रेन वॉश करते रहे या सच्ची बात ये बताते रहे कि भाई डॉक्टर बनने में फायदा है बल्कि आला तालीम में फायदा है हाँ, हाँ. मैं तालीम हासिल तो टोटल बहन भाई आप लोग आठ बहन भाई तो सबको उन्होंने आठों के आठ डॉक्टर तो किसी एक का भी दिल नहीं चाहा कि मैं कुछ मेरा दिल चाहा मेरा दिल चाहा और मैंने काफी बगावत की मैं इंटर में फेल हो गया उन्होंने बोला कि आपको दोबारा इम्तिहान देना पड़ेगा दोबारा इम्तिहान दिया नंबर कम आए तो मैंने चलो भाग लें उन्होंने बोले दोबारा देना पड़ेगा तीसरी दफा दिया फिर फर्स्ट डिवीजन आई फिर दाखिला मेडिकल कॉलेज में हुआ अब बात यह है कि मेरे 2 साल जाया हो गए इस तरह से लेकिन अब मैं पीछे उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता था कि अजीब वाले ने यार मैं बनना नहीं चाहता हूँ खामखा डॉक्टर बनाने के चक्कर में लेकिन अब मैं सोचता हूँ पीछे मुड़ के देखता हूँ जितने ऑडियंस बैठे हैं और जो लोग टेलीविज़न देख रहे हैं अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि वालदैन कभी गलत नहीं कहते हैं उनका तजुर्बा होता है अच्छा उन्होंने उन्होंने दुनिया देखी भी होती है वो फ्यूचर का सोचते हैं अब आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ वो तो अपने माँ बाप को समझते हैं कि इन्हें क्या पता हमें सब पता है ये गलत है हमें आज के बच्चों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पता है वो इंटरनेट पे होते हैं इधर उधर देखते हैं लेकिन उनको ये सोचना चाहिए मेरे वालिद साहब ना सिर्फ स्कूल में काम करते थे बल्कि इतनी बड़ा खानदान था तो उनकी उर्दू की राइटिंग बहुत अच्छी थी अच्छा और उनको टाइप करना भी आता था तो बोल्टर मार्केट में एक पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस के सामने शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक वो लोगों के खत लिखते थे एक आना दुआने में टाइप करते थे दरखास्त तो आमदनी होती थी क्योंकि उनके पैसे भेजने पड़ते थे इस पाकिस्तान तो सारे काम करते थे तो बच्चों को सोचना चाहिए कि मेरे वालिद जो रात को 11 बजे और 12 बजे और 1 बजे आते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं कहीं मेहनत कर रहे होते हैं कहीं पैसे कमा रहे होते हैं ताकि बच्चों को पढ़ाएं दिखाएं उनको ट्यूशन कराएं उनको अच्छे कपड़े पहनाएं जब बच्चों को आखिरी बात कर लूंगी और बच्चों को जब ये पता लग जाए कि इतना पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं अपनी जान दे रहे हैं तो उन बच्चों को अपने माँ बाप की हर बात सुननी चाहिए जरूर अमल भी करना चाहिए क्योंकि कोई बड़ी नेमत नहीं है और इस नेमत का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपको मैंने बताया है कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है ब्रेक के बाद आती हूँ आप अपने कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश में कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें 20 मिनट की तकरीर कर दी तो मैं इसमें चला जाऊंगा सही है एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं डॉक्टर टीपू सुल्तान की पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है एक्चुअली बानो की पूरी फैमिली बानो का एक्चुअल नाम क्या था ये हम ब्रेक के बाद बताएंगे इनका पूरा खानदान जिसमें कितने टोटल कितने डॉक्टर्स हैं कंफर्म माइक 38 है 36 नहीं 38 डॉक्टर्स इन वन फैमिली बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए मैं इंटरनेशनल दुनिया को ये बताना चाहती हूँ एक छोटे से वक्फे बाद रही है हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज भी मैं कुरानदाजी कर रही हूँ मैं उस गोल्ड की जो मैं रोज़ करती हूँ अपने शो पे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी निकालती हूँ सिर्फ 100 रुपये की मदद से आप खरीद सकते हैं मिली गोल्ड परचेज प्लान और शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में न्यू डे न्यू डिज़ाइन गुड मॉर्निंग सर 36 डॉक्टर्स हैं लाइक इमीडिएट फैमिली के फिर उसके बाद फिर उनके बच्चे उनकी बहुएं उनके दामाद सब डॉक्टर्स और 38 डॉक्टर्स इन अ फैमिली ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी फैमिली होगी जो डॉक्टर्स की फैमिली है वैसे तो और भी होंगे लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इन आप लोगों से है ना और डॉक्टर अतिया जफ़र जिनको मैं बार बार बानो 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 कह रही हूँ एक्चुअली डॉक्टर अतिया जफ़र है उन डॉक्टर का नाम जो कब हुआ उनका इंतकाल आपकी अम्मी का 2014 और आपके अब्बू का इंतकाल 2004 में तो अम्मी अबू की जिस तरह के आपने बताया स्ट्रगल उसके बाद आठों बच्चों को डॉक्टर बनाना तो आप भी बता रही थी कि आप भी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी आप घर बैठे माइक है हाँ है जी जी ठीक है बस इंटर में नंबर कम आया अब्बा ने कहा बीएससी कर हमने कहा बीएससी करना है अब्बा ने कहा नहीं घर बैठ जाओ फिर बैठ गए गुस्से में भी घर फिर एक दिन अम्मा अब्बा को अब्बा अम्मा से कह रहे थे दूसरे कमरे में हम सुन रहे थे ये घर बैठ गई है पढ़ना वढ़ना नहीं है उसको शादी करो उसकी अच्छा चौथे नंबर की बहन है हाँ है पहली बहन तीन बेटों के बाद पहली बहन ठीक है शादी करो इसकी तो हमने कहा वो शादी करो दूसरे दिन चले गए कॉलेज फिर रिपीट करने के लिए अगर नहीं शादी नहीं करना रिपीट किया हमने फिर इंटर में नंबर फिर डॉ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ तो जो सबकी शादियाँ हुई हैं वो डॉक्टर्स ढूंढ ढूंढ के लाइक हुई या फिर
آپ کو اپنے ساتھ ہی مل گئے یا کچھ اس طرح کے نہیں ابا ڈھونڈ کے لائے ہاں بھائی ڈاکٹر سے ہی ہوگی شادی اچھا ڈاکٹر ٹیپو سلطان آپ سب سے بڑے بیٹے جی ٹھیک ہے آپ کے کتنے ماشاء اللہ بچے میرے دو بیٹے ہیں ہاں اکمل اور فرجاد یہ دونوں جو ہیں یہ ڈاکٹر دونوں ڈاکٹر ہیں یہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں ٹراما سینٹر میں کام کرتے ہیں دو بیٹے اور کتنی بیٹیاں دو بیٹے ہیں بس نارمل دو بیٹے دو بیٹے اور دونوں کو آپ نے دو بیٹے ہیں دو بہو ہیں دو بہو ہیں اور چھ پوتے اور پوتیاں اچھا دونوں چھ پوتے اور چھ پوتیاں جو ہیں وہ چھ پوتے پوتیاں ٹوٹل چھ ٹوٹل چھ تھری فرام ایچ یہ تو پھر اور ڈاکٹرز آئیں گے مجھے تو وہ لالچ آ گئی کہ پاکستان میں اور ڈاکٹرز آئیں گے ادھر ہی ہیں اور یہ نمبر ٹو ہیں یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر میڈیکل کالج میں تو یہ انستھیٹسٹ ہیں اچھا اچھا تو آپ لوگوں کو کبھی لائک آپ لوگوں کی جنریشن کو بیٹھ کے انہوں نے بچپن میں یہ انسپریشنل کہانی سنائی تھی کہ یہ دیکھو میری امی ابو نے کیسے ہم لوگوں کو ڈاکٹر بنایا آٹھوں کے آٹھ ڈاکٹر ہم لوگ شروع سے دیکھتے تھے کہ محنت کر رہے ہیں سب کے سب کر رہے ہیں دادا دادی کے ساتھ بہت ٹائم انجوائے کیا دادا کہتے تھے کہ دیکھو ڈاکٹر کبھی بے روزگار نہیں ہوتا اچھا ڈاکٹر بن گیا کچھ نہیں تو کلینک کھول کے بیٹھ جائے گا بے روزگار کبھی نہیں ہوتا اینڈ اٹ میکس سینس دیٹ وے تو ایک یہ کلک کر گیا اس کے بعد ہم لوگ پاس زیادہ آپشن تھا نہیں بھائی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اچھا بھی ڈاکٹر بننا ہے اچھا آپ پہ بھی فورس کیا گیا نا ابا کی طرف سے یا دادا کی طرف سے آپ فورس کا کانسیپٹ نہیں تھا اٹس این انڈرسٹوڈ تھنگ ایک تو یہ دوسرا یہ کہ کیونکہ اتنے سارے ڈاکٹرز تو ہم لوگ کا ایکسپوجر کسی اور اسپیشلٹی سے ہوا ہی نہیں کسی اور فیلڈ سے ہوا ہی نہیں اسکول جاتے تھے یہ تھا کہ بھائی ایک سائنس ہے ایک کامرس ہے اپنا کامرس ہوگا کچھ کامرس پھر پری میڈ پری انجینئرنگ تب پری میڈیکل میں آ گئے تو پھر اوکے بس آپ ادھر سائن کر دیں آپ کا پری میڈیکل میں ہو رہا ہے اچھا جیسے آپ لوگوں کے خاندان میں ماشاء اللہ ڈاکٹرز ہی ڈاکٹرز ہیں ہمارے خاندان میں ایکٹرز اور ڈائریکٹرز بہت ہیں تو جب ہم خاندان پورا بیٹھتا ہے نا تو ہم باتیں کرو تو اچھا فلانا دیکھو ایکٹر ایسی ریکارڈنگ یہ وہ ساری ہماری اسی فیلڈ کی باتیں ہو رہی تھی تو آپ کی تو ساری میڈیکل ٹرمنالوجی استعمال ہو رہی ہوتی نہیں جنرلی اسپیکنگ نو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ہوگا کہ گھر میں ہی ڈاکٹری ہم گھر مطلب کہ باہر ڈاکٹری کر لی اب گھر آ کے نارمل باتیں بھی کرتے ہیں اچھا اینڈ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹری کے علاوہ باتیں ہوں کچھ اگر ڈسکس کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ڈسکس کرنا ہے تو جا کے الگ سے بات کر لیں گے خاندان میں بیٹھ کے بھی ڈاکٹری کریں باہر بھی ڈاکٹری سب کے وی ہیو ٹو انجوائے لائف ایز ویل بہت ضروری ہے اچھا کون ہے جو اس جنریشن میں جس نے میڈیکل اس لیے لیا کہ میں نے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو اور پیرنٹس کو خوش کرنا ہے ابھی اس کمرے میں آئی ایم دا ینگسٹ ڈاکٹر میں گریجویٹ کیا میں نے بس لائک ایک ڈیڑھ سال پہلے بائی دا ٹائم ہم بٹ میرے ساتھ میرے دو تین اور کزنز ہیں تقریباً میری عمر کے بائی دا ٹائم ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے ہمارے سارے بڑے جو ہیں دے ور اسٹیبلش دے ور ڈوئنگ ریلی ویل ماشاء اللہ دے ور ہیلپنگ ادر پیپل یہ وہ تو ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے نا ہم لوگ نے ایک پیشن دیکھا کافی حد تک سو اینڈ ہم لوگ اس طرف گیئر ہوتے گئے پھر ہم لوگ جو ہے اپنے خالاؤں ماموں کے ساتھ بہت کام بھی کرتے تھے اسکول کی چھٹی ہے تو کہیں والنٹیئر کر دیا ان کے ساتھ اسکول جب چل رہا ہے تب بھی جب گھر آتے تھے تو خاندان والوں کو دیکھتے تھے بچے جو ہے نا وہ جذب کرتے ہیں اپنے بڑوں کو دیکھ کر کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں مطلب ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں وہ پھر خود بخود ان میں انڈیوس ہو جاتا ہے آئی گیس لائک آئی ایم دا 37th بچے ہوتے ہیں موم موم جس سائڈ میں آپ مینٹ کر دیں گے ہو جائے گا گھر میں ماحول اچھا ہوگا بچے اچھے ہوں گے ماحول صحیح نہیں ہوگا بچے خراب ہوں گے یہ بیسک فیکٹ ہے اور جو بات اتنی ہوئی ساری سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہوں گا سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے بالکل جو محنت تو ابا اماں نے کیا ہم سب نے کیا نمبر کے بھائی ہیں نہیں میں نمبر ٹو بھائی ہوں نمبر ٹو ہاں نا بڑی کنفیوژن ہے اوکے ڈاکٹر ٹیپو سلطان نمبر ون میں نمبر ٹو آپ نمبر تھری شاہ نمبر چلے گئے وہ جو ابھی میٹنگ کے لیے گئے ہوئے نمبر فور آپ پھر نمبر فائیو اچھا آپ اوکے پھر بیٹی ہیں اچھا ماشاء اللہ اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی چلیں ان جنریشن میں تو دادا ڈھونڈ کے لے آئے نا جی میری بہو تو میرا داماد ڈاکٹر آپ لوگوں کی جنریشن میں کیا ہوا نہیں اس میں سمپل بات جب تو ابا حیات تھے کسی ہمت نہیں کچھ کرنے کی تھی ابا کے جانے کے بعد 2004 کے بعد
آزادی ہو گئی تھوڑی بہت اچھا اور لوگوں نے کچھ اپنے حساب سے کام کیا اور اس میں سب سے لیٹسٹ یہی ہیں مگر وہ ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر ہیں چلے شکر ہے وہ ٹریڈیشن چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا ہے نا تو اچھا آپ لوگ جو ہیں وہ اگر ارینج میرج ہے تو کیا وہ لڑکی دیکھنے گئے تھے کہ ہمیں لڑکی ڈاکٹر ہی چاہیے ہاں یہ ہاں تھری کرائیٹیریا کہ ڈاکٹر ہونی چاہیے بہاری ہونی چاہیے شاید اور سید مائی دادا واز ٹوٹلی فالوئنگ دیٹ رول کہ ہاں جی بہاری ہو اور سید بھی ہو اور تو اسی خاندان میں کرتی ہیں تو ہاں ہمارے اینڈ سے تو تھا ہاں حالانکہ دیکھیں رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں لڑکی کے لمبے بال ہوں گورا رنگ ہو یہ نہیں اور لیکن یہاں کرائیٹیریا چینج ہو گیا دیکھیں میں پاکستان کا آپ کو بتا رہی ہوں ڈاکٹر ہو بہاری ہو سید کرائیٹیریا ہم لوگ ابا کو بولتے تھے کہ ابا آپ کو تھری انجن چاہیے ہوتا ہے میری تو شرط یہ تھی کہ میرا ایگزام کلیئر ہو جائے اس کے بعد کر لوں گا ہاں تو ایگزام جب کلیئر ہوا تو میں آئرلینڈ سے ٹریننگ آپ سے پوچھا تھا یا آپ کو کہا بس وہ تین خوبیوں والی لڑکی مل جائے تو بس ہم تمہاری شادی کر دیں گے میں نے بس فون کر کے بتایا کہ بھائی میرا ایگزام کلیئر ہو گیا ہے تو آیا کہ بھائی مبارک ہو آپ کی شادی ہو جائے گی وہاں وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں اس لیے کہ شادی نہ ہو اور یہ ڈاکٹر بن کے کلیئر ہو گیا اب شادی کرا گڈ میں تو سیریس بولا جب ہونی ارینج ہونی ہے تو بس ٹھیک ہے گھر والے دیکھیں گے وہ پسند کریں گے دینو بیسٹ میں اگر ابھی کسی نے ٹی وی لگایا ہے تو میں بتانا چاہوں گی کہ کہانی ہے ڈاکٹر رضیہ ظفر کی فاتحہ ظفر کیا ہو گیا بہت سارے نام ہیں نا میں بھی کنفیوز ہو گئی ڈاکٹر عطیہ ظفر کی جن کو میں بانو کے نام سے اس طرح جانتی تھی کہ میں نے ان کی سیریز پلے کی تھی ایکٹ کیا تھا اور تب میں ان کی کہانی سے انسپائر ہوئی تھی اور اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں ان کے بچوں کے ساتھ یہاں شو کر سکوں ایک ایسی عورت جس نے جو پڑھی لکھی بھی نہیں تھی اس نے صرف قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی ان کے ہسبینڈ نے ان کو سپورٹ کیا اور کہا جا سمرن جی لے اپنی زندگی جاؤ پڑھو کیونکہ دیکھیں بہت ساری خواتین کو شوق ہوتا ہے پڑھنے کا لیکن گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتی مگر شادی کے بعد تو کتنی لڑکیوں کی پڑھائی چھوٹ ہی جاتی ہے وہ مانگتے ہیں جی ہاں ابھی ڈاکٹر بہو چاہیے اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر بہو صرف گھر سنبھال رہی ہوتی ہے وہ بالکل پریکٹس نہیں کر رہی ہوتی مگر یہاں کہانی الگ ہے یہاں میاں نے سپورٹ کیا یہاں بیوی کو پڑھایا خود اس کو 2 سال میں میٹرک تک کی تعلیم دے کر ایگزام کروا دلوایا پرائیویٹ پھر میڈیکل کے لیے وہ پڑھیں اور اس کے بعد ان کے آٹھوں بچے ڈاکٹر ان کی بہوئیں ڈاکٹر دماد ڈاکٹر تو ان شارٹ یہ کہ فیملی سپورٹ آپ کو بناتی ہے اگر ہم کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ یہ وہ وومنز ڈے اور یہ ساری باتیں تو وہ عورت اگر اکیلی کچھ کرتی تو نہ کر پاتی جب تک اس کے میاں اس کے ساتھ نہیں ہوتے وہاں ان کی دادا نے وہاں سپورٹ کی کیونکہ اکثر تو یہاں ساسیں کہتی ہیں ارے بھائی میرے بیٹے کو دیکھو چھوڑو کیا تم پڑھائی شڑھائی کر رہی ہو میرے بیٹے کو دیکھو بچوں کو دیکھو اکثر ہمارے یہاں یہی دیکھا گیا ہے مگر یہاں ایک مثال ہے آپ کے خاندان کی کہ فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے آپ کی امی ڈاکٹر بنی اور پھر آپ سب ماشاء اللہ اتنے سارے ڈاکٹرز تو یہاں میں ایک دفعہ دوبارہ بتانا چاہ رہی تھی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے ابو بہت سارے مہمان ہوتے تھے اور جب آپ لوگ اس وقت اتنے کھاتا پیتا گھرانہ نہیں تھا آپ لوگوں کا 2 کمرے کا گھر تھا تب آپ کے ابو خاندان والے آتے تھے ان کو بھی پڑھاتے تھے بہت سارے خاندان والے آ کے ٹھہرتے تھے آپ کے گھر پہ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں برسوں برس تک یہ ہوتا تھا کہ 1965 میں ہم لوگ لیاری چھوڑ کر ملیر آ گئے تھے تو ملیر میں 2 کمرے کا مکان تھا اور پھر وہاں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ہمارے رشتہ دار پاکستان میں یا انڈیا میں پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے یا کسی کے انتقال ہو آتا تھا جیسے میرے پھوپھا کے انتقال ہو گیا تو ان کے 8-9 بچے تھے تو وہ سب کو ابا نے بلا لیا اور سب ہم لوگ کے ساتھ رہے اس طرح سے مختلف رشتہ داروں کے یہاں جو مسئلے مسائل ہوتے تھے تو ہمارے یہاں مختلف رشتہ دار ننیال کی طرف سے ددیال کی طرف سے وہ آتے تھے ان کو سب کو رکھنا کھلانا پلانا اور تعلیم دینا ابا کا آبجیکٹیو ہوتا تھا کہ پڑھو پڑھو اور پڑھو تو وہ ہمارے ہم لوگ کے ساتھ رہتے تھے وہ اسی چھوٹے سے گھر میں اور شام کو فرش لگ جاتا تھا سب فرش پر سوتے تھے اور سب کو ظاہر سی بات ہے ناشتہ پانی ملتا تھا آپ کو بچپن سے عادت ہے ہرا بھرا خاندان ہے اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں صرف یہ نہیں کہ خاندان کے رشتے دار کوئی نان رشتے دار بھی کوئی بھی
دیکھتے تھے کوئی لڑکا پڑھ نہیں پا رہا کہیں کہ تم یہاں جو رہ لو. مشہور ہے کہ جب صفیہ پڑھ لی تھی نوابشاہ میڈیکل کالج میں نوابشاہ میں, تو ان سے ملنے جاتے تھے تو وہاں پر ریلوے اسٹیشن پر ایک لڑکا تھا شبیر کھوکھر, رو رہا تھا وہاں پر, اس کو امتحان دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. اب انہوں نے بولا میرے بیٹے بنو گے, اور وہ لے آئے, وہ یہاں پڑھ کے اب انجینئر بنا ہوا ہے شبیر, ہمارا منہ بولا بھائی ایک طرف. یعنی کہ یہ جو چیز آپ کی شروع ہوئی یہ ابا سے شروع, بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ابا کی اماں کی جو قربانیاں, ہارڈ ورک, لیبر, اور کانسٹنٹلی کہنا یہ کہ ابا بولتے تھے ہمیشہ کہ یونائٹیڈ یو اسٹینڈ, ڈیوائڈیڈ یو فال. مستقل بولتے تھے کہ یونائٹ رہو گے, ایک رہو گے, جہاں کچھ ہوا تھا پاکستان کو بھی اسی تھیوری پہ چلایا جاتا. بالکل ہمیشہ مستقل کہتے تھے. پھر کہتے تھے وہ کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, جب ہمت ہے, جب ہمت میں جولانی ہے تو پتھر بھی پانی ہے, ان کا مشہور شعر تھا. پھر کہتے تھے کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے لیے ہو, خود مٹ کر کسی اور کو مٹنے سے بچا لے. یہ چار پانچ چیزیں ان کی جو ہمارا ایک طرح سے آپ صحیح کہا برین واش تھا بچپن سے ہم لوگ اس میں سنتے رہتے تھے کہ اسٹرگل اسٹرگل اسٹرگل. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وین دیر از ویل دیر از اے وے, اللہ تعالیٰ مدد انہیں کرتا ہے جو خود محنت کرتے ہیں. اچھا پانچ بیٹیاں تھیں, اب یہ ہوتا ہے نا میڈیکل کی پڑھائی اتنی سخت ہوتی ہے کہ آپ وہ تو کر لیتے ہیں لیکن جو ہے پھر گھر داری یا کچھ کھانا پکانا یہ سب کچھ نہیں آتا, تو آپ لوگوں کو وہ ٹریننگ سب سے اچھی پکانی ہے. اما نے ہم لوگوں کو کھانا پکانا, سویٹر بننا, کپڑے سینا, گھر کی صفائیاں, گھر دیکھنا, ایون کروشیا, ایوری تھنگ. ہم سب سوچ رہے تھے ٹائم کہاں سے آتا ہے 24 گھنٹوں میں, سدابا یہ ڈسٹریکٹرز نہیں تھے نا, صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں اجازت نہیں تھی کہ آپ باہر سے کپڑے سلوائیں یا کچھ, خود ہی گھر پہ سیتے تھے سارے کپڑے, اور رات کا کھانا ہم لوگ بناتے تھے. صبح جب امتحان کا زمانہ آتا تھا نا تب ابا کی سختی ہوتی تھی کہ اب ہم دہی روٹی کھا لیں گے, بازار سے روٹی آ جائے گی, دہی آ جائے گی, کھانا نہیں پکے گا, آپ لوگ پڑھائی کیجیے. ویری امتحان کے زمانے. ایک بات ایڈ کرنا چاہوں, بالکل بالکل, میں ڈاکٹر سراج کی وائف ہوں, اما واز سورس آف انسپریشن, اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ون شوڈ فالو ون اسٹریم. اینڈ یہ میسج فیمیل کو دینا چاہتی ہوں کہ اما کے ان کو فالو کر کے میں بھی اپنی تین بچوں کو چھوڑ کے انگلینڈ گئی. سب سے چھوٹی میری صرف 6 مہینے کی تھی, اور میں نے وہاں جا کے ڈی سی پی کی, اینڈ تھینکس ٹو مائی ہسبینڈ بیکاز ہی سپورٹڈ می فار دیٹ. وہ دیکھیے نا, دیکھیے پیرنٹس سے بچے وہ چیز میں بار بار کہہ رہی ہوں جذب کرتے ہیں. وہی چیز انہوں نے جو ان کے باپ نے ان کی امی کے ساتھ کی وہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کی, اور پھر یہ ڈاکٹر بن پائے اور انگلینڈ جا کے پڑھا. 6 مہینے کے بچے کو چھوڑ کے جانا, 6 مہینے کی تھی میری سب سے چھوٹی, اور تین بچوں کو آپ چھوڑ کے گئے. سنے تو پھر آپ آپ کلینک سنبھالتے تھے کہ ان کو سنبھالتے تھے؟ نہیں, میں بیسیکلی ٹیچر ہوں, پیتھولوجی ٹیچر. میں اس وقت ڈورمنٹ کو پڑھاتا تھا, مارننگ پڑھاتا تھا اور شام کو پریکٹس, ظاہر بات ہے. لیکن چونکہ کمبائنڈ گھر تھا مجھے بچوں فکر نہیں تھی. تین بیٹیاں میری دادی پال رہی تھیں, ایک دو اور ہیلپر تھیں. مجھے فکر ہاں صرف یہ میں جانتا ہوں کہ بچے ماں باپ کو ڈھونڈتے ہیں دو ٹائم پر, یا صبح جب اٹھتے ہیں یا شام کو سونے سے پہلے. بیچ سے تو لفٹ نہیں مارتے کسی کو, وہ تو کھیلتے رہتے. تو صبح کے ٹائم میں اس کو ٹائم دیتا تھا اور اسکول چھوڑتا تھا میں خود. اچھا. اور شام کو ان کے سونے سے پہلے میں کام سے واپس آتا تھا. بیچ میں دادی ہیں اور گھر بھرا ہے سارا, ٹائم یوں گزر جاتا ہے. 6 مہینہ 2 دفعہ گئی ہے اور کر کے آ گئیں. میں جو بتانا چاہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات وہی چیز ہے کہ اگر ہمارا ساتھ ہم نہیں دیتے, ابا میں نہیں ہوتے تو نہیں کر سکتی تھی. اس میں جب جاتی تھیں تو بھابھی پیڈیٹریشین ہونے کی حیثیت سے تینوں بچیوں کو بیماری کچھ بھی بھابھی دل دکھاتا کرتی تھی, سب ساتھ رہتے تھے ہم لوگ. سنا آپ لوگ تو کسی باہر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں ہوں گے نا, سب گھر میں ہی ریوالو ہوتا ہے. سب مل جل کر کے کمبائنڈ ایفرٹ. ایک چھوٹے سے وقفے کے پہ جا رہی ہوں, بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ایک یہ بہت ڈفرینٹ شو ہے. سیریسلی میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا شو کروں جو میں آپ کو پاکستان کا ایک الگ چہرہ بھی دکھا سکوں. انٹرنیشنلی ہمارا شو دیکھا جاتا ہے کہ لائک ہمیشہ بری 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 چیزیں کیوں دکھاتے ہیں, ہم یہ دکھائیں کہ دیکھیے کہاں سے اٹھے, کتنی محنت کی. انہوں نے خود بتایا جھونپڑی ڈالی تھی اور پھر وہاں سے اٹھ کے آج 38 ڈاکٹرز ان ون فیملی. یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے, ان کو بنتا ہے اس طرح شوز پہ بلا کے اپریشیٹ کرنا. اور اگر میں لکی نہیں ہوں کہ ان کے پیرنٹس زندہ نہیں ہیں, ورنہ مجھے تو ان کے فادر اور مدر کو بلانا چاہیے تھا, ان کو انٹرویو کرنا چاہیے. ویلکم ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. اور جناب آج میں کر رہی ہوں ایک سوال,
यहाँ ऑडियंस से और देने वाली हूँ कराची किंग्स की शर्ट, टी शर्ट. देखते हैं कि ये कौन पहन के मैचेस देखने जाएगा. हाँ जी, पहला सवाल ये कि कराची किंग्स के कैप्टन का क्या नाम है? जिसको पता है वो हाथ उठाए. कराची किंग्स के कैप्टन वहाँ पे भी हाथ उठा रहे. हाँ भाई, किसको पता है? चलो तुम जिसके पास माइक है तुम ही बता दो. अम्माद. अम्माद. इम्माद. इम्माद वसीम. थैंक यू जी. आज का मेरा शो बहुत मुख्तलिफ शो है और मेरे पास इस वक्त मेरे शो पे अभी मैं गिनती हूँ कितने डॉक्टर्स हैं, लेकिन इनकी पूरी फैमिली में 38 डॉक्टर्स हैं. 38 डॉक्टर्स होना बहुत बड़ी बात है एक ख़ानदान में. अभी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. आपको मुझे पता है, मुझे पता चल गया कि इंजीनियर भी है. 16 डॉक्टर्स इस वक्त मेरे यहाँ पास मौजूद हैं. तो 21 मिसिंग हैं, कितने मिसिंग हैं? हिसाब लगाने हैं ना. 38 डॉक्टर्स एक फैमिली में, और ऑब्वियसली एक तो दुनिया में नहीं ना. ऑनलाइन देख रहे हैं कौन? 13 ऑनलाइन देख रहे हैं. अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया में कौन असद है ना, उनका जिक्र करना है मुझे. हाय असद, वो आपके कौन है? मेरी बेटी. नवासे. मेरी बेटी का बेटा है नवासा, एमा की बेटी. वो भी डॉक्टर है? एमा डेंटिस्ट है. असद डॉक्टर नहीं है. अच्छा, असद की माँ मेरी बेटी है. असद तो छोटा है अभी. अच्छा, 9 साल का. अगर मैं यहाँ बच्चे कौन कौन डॉक्टर बनेंगे? लंदन में आयशा देख रही है. लंदन में आयशा देख रही है. अच्छा, हाय हाय आयशा. होने वाली बहू डॉक्टर. अच्छा बच्चों, यहाँ कौन डॉक्टर बनेगा तुम लोगों में से? अभी एक ने हाथ उठाया है. दो ने. अभी तक दो तैयार हुए हैं. देख ले अब आपके अब्बा का काम कौन करेगा. मेरे बेटे बोलते हैं कि मुझे बस डॉक्टर नहीं बनाइएगा, बाकी सब मैं बन जाऊंगा. यू डिसाइड योरसेल्फ. हाँ, इम्पोज नहीं करूंगी. हाँ देखो, अभी तक ग्रो करना है तुमने. सही बात. हो सकता है बड़े होके उसको हो जाए. डॉक्टर में एक अब्बा हमारे बोलते थे कि जो भी करना है उसमें सबसे अच्छा करो. अगर प्लम्बर भी बनना है तो प्लम्बरी की पीएचडी करो. पीएचडी भी डॉक्टर होता है. अगर दर्जी बनना है, दर्जी बनना है तो ऐसे दर्जी बनो सारे शहर के लोग तुम्हारे पास आए. तालीम सबसे ऊपर जाए. अब अगर आपने साइकोलॉजी करनी है तो बीएससी साइकोलॉजी नहीं करें, मास्टर्स पीएचडी इन साइकोलॉजी करें. मिडवाइफ बनना है तो मिडवाइफरी में भी पीएचडी करें. तो वो भी डॉक्टर होते हैं आजकल के जमाने में. ये है तो जितने बच्चे सुन रहे हैं प्रोग्राम, ये वो जो बनना चाहते हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा, जो भी बनना है बने, लेकिन अपने काम में एक्सेल करें, सबसे अच्छे हों. शहर में हर आदमी बोले भाई फला आदमी से हमने कराना है. ये बाबा बोलते हैं. ये वाली बात अगर वाकई जहन में सोच ली जाए. अच्छा भाई, मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि लाइक अक्सर डॉक्टर्स की पर्सनैलिटी के बारे में कहा जाता है बड़े ड्राई होते हैं वो. मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप जब सब मिलते हैं तो क्या ड्रामों की बातें करते हैं? कि आप लोगों ने मेरे पास तुम वो देखा है? हाँ. देखते रहते. क्या आप लोग सिनेमा जाते हैं फिल्म्स देखने के लिए? ड्राइव तो इसका बिल्कुल नहीं है. मैं एज एन इंजीनियर, एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर बता रहा हूँ. बहुत फुल ऑफ लाइफ है, बहुत मजा आता है. आई एम रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली फॉर द लास्ट 8 ईयर्स. लेकिन कभी कभी बड़ी अनकॉन्शियसली ना जो मेडिकल की बातें शुरू होती है ना, वो मेरे लिए कम अज कम बहुत बुरी. आपको तो लगता होगा कि क्या हो रहा है? हाँ, वो हमारे खालू हैं, वो भी सब मौजूद नहीं है. वो आते ही आपा पता आज पे वो एनेस्थिया से दे रहा था. मैं एक पेशेंट था, उसको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था और वो बस मरने वाला था, मैंने बचा लिया. तो अब ये जो बातें शुरू होती हैं, अब दावत में अब सब लोग बैठे खाना खा रहे हैं, वो एकदम से एनेस्थीजिया की खून की बातें की बातें वो, तो वो कभी कभी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है मेरे लिए. इतना नहीं होता है. नहीं, अभी ये मेजॉरिटी में है, कुछ भी बोल सकते हैं. लेकिन अगर बट एनी वे दैट्स द फन पार्ट. द रियल पार्ट इज इट्स रियली अमेजिंग टू बी पार्ट ऑफ सच अ फैमिली. नॉट ओनली दैट दे आर डॉक्टर्स, दे आर वेरी इंस्पायरिंग पीपल. दे हैव अ मिशन, अ रीजन टू बी देयर इन दैट प्रोफेशन. जिस तरह से चैरिटी वर्क्स कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स तो बहुत होते हैं, बट पीपल अर्निंग, दे आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन अर्निंग. एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात से मैं एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इनके खानदान के बारे में पता चली कि आप कितने बहन भाइयों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया? सबको. आठों के आठों सब बाहर पढ़ने गए. और Everybody went outside, सब बाहर गए, सबों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और सब वापस आ गए. अब्बा ने कुछ शर्त रखी थी कि वापस आना है पाकिस्तान को सर्व करने. अब्बा दो बातें कहते थे, दो बातें कहते थे. एक तो कहते थे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो यहाँ के नाचो हम क्यों देखें खुश हों. नंबर दो बात कहते थे,
और दूसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी, कहते थे देखो मियाँ हम लोग लियारी में बैठ के पढ़े हैं, मलीर में पढ़े हैं, इस मुल्क का तुम्हारे पर एहसान है, इस शहर का, सिंध का, पाकिस्तान का एहसान है, आप लोगों ने आना है और अपना कर्ज उतारना है। कहते हैं कर्ज आपके ऊपर ही है ये, मैं कहता हूँ उससे मैं तो उससे मोटिवेट हुआ। मैंने वहाँ 9 साल रहा वहाँ, और मैं कंसल्टेंट बन गया था एट द एज ऑफ 34, लेकिन दिल में यहाँ आने की ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं हुई और मैं आया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत खुश हूँ कि मैं वापस आया हूँ। बहुत कुछ कह रहे थे आप। मेरी सारी ट्रेनिंग आयरलैंड की, मैंने MBBS किया डॉ मेडिकल से, देन आई वेंट टू आयरलैंड, 8.5 साल मैंने आयरलैंड में गुजारे। आई डिड 3 fellowships ओवर देयर, आई डिड अ PhD ओवर देयर। द वर्ल्ड इज़ ओपन टू अस, हम लोग पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुम लोग पाकिस्तान वापस आओ, जहाँ रहो खुश रहो, ठीक। बट अबू जो है एक चीज़ कहते हैं कि बाहर अपना मुल्क अपना मुल्क है, बाहर जाके यू विल ऑलवेज बी अ सेकंड क्लास सिटीजन। सो आइदर बी अ सेकंड क्लास सिटीजन इन अ फर्स्ट क्लास कंट्री जहाँ यू आर जस्ट पार्ट ऑफ द क्राउड, और बी अ फर्स्ट क्लास सिटीजन इन अ डेवलपिंग कंट्री वेयर यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। एक अहम बात ये भी है कि मैं डॉमेल कॉलेज में पढ़ा, तो मेरी तालीम पर मेरे घर वालों का कितना खर्चा आया, मुकम्मल तौर पर खर्चा आया 3,500 रुपये। मुझ पर थोड़ा सा ज़्यादा आया क्योंकि मैं एक दफ़ा फेल हुआ था तो उसकी ज़्यादा फीस देनी पड़ी, तो मुझ पर खर्चा आया तकरीबन 4,000 रुपये। बाकी लोग 3,500 रुपये में डॉक्टर बन गए। अब 4,000 रुपये में मैं डॉक्टर बन गया पाकिस्तान में, 5 साल का खर्चा, सोचे ज़रा आप। और सरकार का तो लाखों खर्चा हुआ, अब वो करके मैं इंग्लैंड में बैठा कमा रहा हूँ, अमेरिका में कमा रहा हूँ, तो आवाम को क्या फ़ायदा है। अब मैं गायनेकोलॉजिस्ट बन के वापस आया, मैं कुछ अच्छे काम कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है। और ये जो कर्ज़ा है, हर पाकिस्तानी जो सरकारी स्कूलों में जाता है, पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, उस पर फ़र्ज़ है कि इसको पूरा करें। अच्छा, हमारे जैसे गरीब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, आजकल के ज़माने में गरीब आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन अगर वो सरकार में चले जाएगा तो बन जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक और बात है, और जो मज़े की बात मुझे पता चली इनकी फैमिली के बारे में, कि इन 8 बच्चों के रिश्ते देखने अम्मी नहीं जाती थी, अक्सर होता है ना घर की खवातीन जाती रिश्ते देखने, अब्बा जाते थे। इसके बारे में मुझे कौन बताएगा, ये कौन बताएगा मुझे अब्बा की कहानी? मैं अम्मा की कहानी सुनाई जाए। शुरू में उनके जो अपने मखसूस शरायत होते थे, उसकी शरायत पर देखते हुए अपना काम कर लेते थे, फिर अम्मा को बोलते थे ऐसा ऐसा है। अब देखो, और अब मैंने अप्रूव किया, आप कौन बताना चाहिए? नहीं नहीं, अब्बा ये थोड़ी करते थे कि घर जाके देख रहे हैं, तो हां घर बजाने की बात अच्छी नहीं है, बाहर बस वर्क प्लेस पे जाके देख लिया। अच्छा, वर्क प्लेस पे जाके देख लिया, एकदम सही है। हां अच्छा ठीक है, और 3 qualities भी हैं जो वो हैं। हां वो तो पहले ही पता कर लिया ना, वो पहले पता चल गया, सही है, बिहारी डॉक्टर है, चल भाई यहां काम करते हैं। आई थिंक वन ऑफ द थिंग इज के जो आप वर्क प्लेस पे जाके देखते हैं कि द इंटरेक्शन विद अदर पीपल, तो आपको लोगों के बारे में पता चलता है कि किस तरह के इंसान है। अपने से एक रिश्ता देखने के ये भी इन्होंने तरीका कार बताया है, वर्क प्लेस अपने से नीचे को कैसे ट्रीट करते हैं, तरीका यही है ऐसे, है ना? घर पे जा रहे हैं और नाश्ता पानी हो रहा है, ये सब नहीं, गए बातचीत करके आ गए। इसमें अब्बा ये करते थे कि अब्बा को जब फैमिली का पता चल जाता था, अच्छी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अम्मा तो बहुत बिजी होती थी, अम्मा की क्लिनिक है वो, फिर आपा नॉमिनेट करते थे, आपा जाती थी जाके, हम लोग के सारे जो हम लोग के जूनियर, हम लोग छोटी बहनों की शादियों में आपा ने जाके देख के पसंद किया है, तो इसमें इनका रोल था। एक बात, दूसरी बात जो आपको एक जवाब देना मैं चाह रही थी कि आपने कहा था बहुत ड्राइव होते हैं डॉक्टर, ये वो ऐसा कुछ नहीं है, माशाल्लाह हमारी फैमिली में सारे लोग बहुत फन लवर्स हैं। अच्छा, हम लोग को 2-3 दिन की भी छुट्टी मिलती है तो सब गाड़ियों भर के कभी मिट्टी चले गए, कभी अप कंट्री चले गए, थोड़े से ज़्यादा पैसे जमा हो गए तो बाहर भी चले गए, तो ये सब भी होता रहता है। और कुछ नहीं तो हर हफ्ते में 2-3 दिन तो होता है सब मिल के बैठ के साथ खाना खा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। अच्छा, बहस होती है आपके घर में, क्योंकि जहाँ ज़्यादा बहन भाई होते हैं, बिल्कुल होती है। बच्चे हो तुम लोग, बताओ कि क्या बहस होती है, तो तुम लोग क्या करते हो? कुछ बच्चों का अपना बहुत बड़ा ग्रुप है, ये अपना खेलते कूदते रहते हैं, इनको नहीं अंदाजा होता क्या होता है। ये तो है, इस फैमिली में लोग गाना गाने वाले भी हैं, अरे बैठे गाना गाने वाले, किसके सीटी हो जाती है, एक डॉक्टर सीटी बजाते हुए कैसा लगा?
प्रोफेसर है प्लीज माइक माइक है जाउद्दीन में बहुत बड़े प्रोफेसर है सुने आपके स्टूडेंट्स आपको छेड़ेंगे तो नहीं मैं सुनाता हूं मैं तो आप और मैं क्या कौन सा गाना पुराना नहीं सिटी मुझे सुननी है पुराने गाना कौन सा अच्छा सिटी बजा के गाना गाएंगे आप बताएं कोई भी जो आपको अच्छा आता हो ना जिसमें प्रैक्टिस हो कौन गाते हैं गाता तो नहीं मैं दौड़ता हूँ अब वो मैं दौड़ा तो नहीं सकता मैं मैराथन दौड़ता हूँ और 26 मील होती है मैं डबलिन लंदन न्यूयॉर्क पेरिस बर्लिन और अभी जो पिछला मैराथन मैं पिछले सितंबर में दौड़ा है इस्तांबुल मैराथन अच्छा 26 मील 285 गज और ये मैराथन में हमेशा दौड़ता हूँ किसी काम के लिए अच्छा मिसाल के तौर पर जो पहली मैराथन मैंने दौड़ी थी वो दौड़ी थी मैंने औरतों में तशद्दुद के खिलाफ अच्छा तो जब औरतों में तशद्दुद होती है हाँ। तो उसके लिए सेंटर बनाए जाते हैं जैसे डबलिन में था तो उनके पास पैसों की कमी थी तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप दौड़ें और पैसा जमा करें तो ये बनेगा तो इसी तरह से जो औरतों की बेइज्जती होती है उस पर उसके खिलाफ दौड़ता हूँ फिर मैं आँखों की बीमारी के लंदन जो मैराथन दौड़ा था वो बच्चों में आँख की बीमारी होती है उसके लिए पैसे जमा करने के लिए दौड़ा था ये जो इस्तांबुल मैराथन में दौड़ा था मैं फिस्टुला के खिलाफ और फिस्टुला के बारे में आप लोगों को सबको पता होगा आपका महफिल में बता देता हूँ मैं ये जो हमारा बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पर औरतों का इलाज करते हैं जो इंतहाई गरीब होती हैं और बच्चे की पैदाइश के दरमियान उनकी एक पेचीदगी हो जाती है जिसकी वजह से उनका पेशाब मुस्तकिल बहता रहता है जी जी और ये ऐसी बीमारी है जिसमें वो किसी काबिल नहीं रहता ये आप अपने हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं जो एनजीओ आप रन करते हैं प्लीज उसका नाम और सारी चीजें बताएं वही मैं बता दे रहा हूँ उसका नाम है कुही गोट वुमन हॉस्पिटल ये लांडी में है एयरपोर्ट से 4 मील दूर और ये बिल्कुल मुफ्त हॉस्पिटल है इसमें हम लोग सब पैसे जमा करते हैं जितने पूरा खानदान जमा करता है जितने हमारे बच्चे भाई बाहर पढ़ रहे हैं वो अपनी तनख्वाहों का एक हिस्सा भेजते हैं ताकि ये अस्पताल चलता रहे हम आपको तस्वीरें भी शो करना चाहेंगे आप चाहें तो बोलते रहे प्लीज आप तस्वीरें भी दिखाएं उस हॉस्पिटल की क्योंकि देखिए वो वाली चीज है ना कि जब इंस्पिरेशनल फैमिली है ये यहाँ पे आई है किसी मकसद की वजह से वहाँ पर मिडवाइफ की ट्रेनिंग होती है अच्छा हर साल तकरीबन 100 मिडवाइफ वहाँ ट्रेनिंग होती है और सारी मिडवाइफ कराची के औरंगी और करंगी के इलाकों से या थरपारकर के इलाके से होती हैं और बड़े अफसोस की बात है कि कल हमारी एक मिडवाइफ ट्रेन होकर के जा रही थी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ उसकी डेथ हो गई तो हम उसको भी बहुत याद करते हैं कल बड़ा बुरा दिन था हमारे लिए लेकिन ये सब ट्रेनिंग होती है वहाँ पर ये लड़कियाँ कॉम्पिटेंट होकर के इनकी 25,000 पर PPHI प्रोग्राम में उनको नौकरी मिल जाती है तो ये अच्छा इसमें सिर्फ हम लोग नहीं करते अब देखिए हमारे बहुत सारे दोस्त डॉ मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट आसान के ग्रेजुएट SMC के वो सब इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं माशाल्लाह वेरी नाइस वो औरतों की इज्जत कहते हैं ना जो हम लोग नारे लगा रहे होते हैं औरतों की इज्जत एक्चुअली घर से ही शुरू होती है वहाँ इनके अब्बा ने अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दी उसी तरह बेटों ने किया कि जैसे इन्होंने उनका लाइक आगे चलकर बच्चे जी जब आप गई तो इन्होंने बच्चे देखे उस वक्त फिर आप भी बता रही थी कुछ फोर्थ ईयर में शादी हुई थी अच्छा जब आप फोर्थ ईयर में थी मेडिकल के और उसके बाद फिर इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में माय मदर इन लॉ स्पेसिफिकली शी वाज वेरी सपोर्टिव दैट्स व्हाई बच्चों के साथ दो बेटों के बाद आई स्टिल कंटिन्यू विद माय प्लीज सॉरी तो इवन पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने बच्चों के साथ किया आई वाज डूइंग माय रेजिडेंसी इन आगा खान मगर माय मॉम इन लॉ एंड माय हस्बैंड वर वेरी सपोर्टिव तो मेरी रेजिडेंसी भी हुई वरना मुझे लगता था मैं बीच में डिप्रेस भी रहती कि नहीं अब नहीं होगा बच्चे इग्नोर हो रहे हैं बट स्टिल
अल्लाह का शुक्र है एफ सी बी एस भी हो गया, उसके बाद रेजिडेंसी भी खत्म हो गई. हालांकि काफ़ी टफ टाइम था उसका, तो अल्हम्दुलिल्लाह, बट उनकी फैमिली सपोर्ट थी, हस्बैंड की सपोर्ट थी, इसलिए आई डिड इट. वेरी नाइस, ज़बरदस्त. लाइक बहुओं को भी मौका मिला कि वो डॉक्टर बन पाए. ख्वाब पूरा जी. आपका नाम निदा है, ये भी निदा है, आपकी बेटी है, ये गाने कॉलेज से माशाल्लाह. अच्छा माशाल्लाह. इसकी भी शादी फोर्थ ईयर में कर दी थी. स्टूडेंट लाइफ में ही शादी कर दी थी. पहले मेरे अब्बा जिंदा थे. अच्छा. मुझे पहले डॉक्टर नहीं बनना था, मगर फिर वही धमकी जो उन्होंने मम्मी को दी थी, डॉक्टर नहीं बना तो शादी कर देंगे. डॉक्टर बन गई, एडमिशन हो गया, उसके बावजूद फोर्थ ईयर में शादी हो गई. फिर ये फाइनल ईयर में थी कि वो उनकी बेटी पैदा हुई, वो अशबा. कुछ मुश्किल है तो कहती थी मेरी नवासी हो, कहती हूँ मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. मेरी नवासी हो, कैसे बातें करती हो, ऐसा कुछ नहीं है. तो बस फिर हम लोग करते चले गए अल्हम्दुलिल्लाह. नाना जान, नानी जान, बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जो देख रही है. मुझे बहुत दुख होता है कि एक डॉक्टर लड़की को ब्याह के जब कोई ले जाता है, फिर वो ससुराल के प्रेशर में आके वो अपना प्रोफेशन छोड़ देती है, तो मुझे ये दुख होता है कि उसने एक सीट ज़ाया की. जैसे ये कह रहे हैं डॉ मेडिकल कॉलेज, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ मेरिट पे सीट्स मिलती हैं. उसने वो पूरी पढ़ाई की, फिर उसको वो उसने प्रैक्टिस नहीं किया, उसने अपने मुल्क को सर्व नहीं किया. ठीक है, अपने घर की जिम्मेदारी उठाना भी एक बहुत बड़ी बात है, मगर फिर उसने वो सीट ज़ाया की. क्या पता किसी और की वो उनको सीट मिल जाती जो आपके मुल्क को सर्व कर पाती. तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आप जी 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 मैं बात कर रहा हूँ तो मियाँ भी बैठे होते हैं. हाँ. तो मैं पूछता हूँ भाई ये क्या करती हैं. तो मैं कुछ नहीं करती. मैंने क्या क्या है, मास्टर्स क्या हुआ है. हाँ. तो मैंने बोला कि आप मास्टर्स करके इनसे क्या कर रहा है, घर में पोछा करवा रहे हैं सिर्फ. तो कोई भी तालीम याफ्ता बंदा है, लड़का या लड़की, तालीम का फ़ायदा उठाना चाहिए. अगर आपको वैसे कमाने के लिए नहीं करना है तो घर में आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, अपने ड्राइवर के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि यही चीजें डिफरेंस लाएंगी मुल्क में. हम तालीम से बड़ी नेमत कोई है ही नहीं. एक वक्फे के बाद मैं दोबारा वापस आती हूँ. और आप इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं जी यहाँ डॉक्टर टीपू सुल्तान, इनसे मेरी मुलाकात है. तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई लाएं अपनी पूरी फैमिली को, मैं बात करना चाहती हूँ आपकी अम्मी के बारे में, आपके अब्बू के बारे में. ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें 38 डॉक्टर माशाल्लाह. एक छोटे से वक्फे के बाद आइए दोबारा मिलते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. इस वक्त आप बहुत ही इंटरेस्टिंग शो देख रहे हैं मेरी फेवरेट फैमिली के साथ, जहां 38 डॉक्टर्स हैं एक ख़ानदान में, और जिसमें से अभी सिर्फ 16 हैं मेरे पास, बाकी दुनिया भर में इधर उधर हैं और एक दुनिया में नहीं है. तो इस वक्त मैं कुरानदाजी करने वाली हूँ अपने शो पे उस न्यू डिज़ाइन की, जिसमें मैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी निकालती हूँ डेली. और अगर आप शामिल हो सकते हैं इस कुरानदाजी में, बिल्कुल हो सकते हैं, सिर्फ 100 रुपये का मिली गोल्ड परचेज प्लान ख़रीद के. तो आइए देखते हैं कि आज का खुश नसीब विनर कौन है. या तो हस्बैंड होंगे, या वाइफ होंगी, या बहन भाइयों में से कोई होगा. ज़्यादातर मर्दों के नाम निकलते हैं, ये क्या चक्कर है. हाँ आइए देखते हैं. देखा निकला ना, एम वकास साहब, बहुत बहुत मुबारक हो. हाँ, ये आपकी वाइफ या आपकी बहन या आपकी अम्मी के लिए जी. तो हजी हम वापस आए यहाँ फैमिली के पास. बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे जो पता चले वो मैं ज़रूर, क्योंकि अक्सर होता है लोग अपने ज़ुबान से नहीं बताते, मैं बताना चाहूँगी कि देखा गया है जब आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स प्रॉपर्टियाँ सबसे ज़्यादा होंगी डॉक्टर्स की. देखा गया है कि हाँ जी सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास होगा. यहाँ ये जो डॉक्टर्स हैं इनकी परवरिश ऐसी की गई है कि भाई एक के बाद एक एक प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, बल्कि उस पैसे को सर्व करना है. और मैं ये पूछना चाहूँगी आप लोगों से कि लाइक जो ये हस्पताल है जो आप लोग चला रहे हैं ख़ुद अपने बिरते पे, और कभी ऐसा भी हुआ है मैंने सुना है कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो आपने जो बाहर अपने बहन भाई हैं उनसे कहा चलो भाई भेजो पैसे, यानी आप सर्व भी कर रहे हैं और अपना पैसा भी उसमें लगा रहे हैं. मैं इसके लिए आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूँ. नहीं, इसमें सिर्फ भाई बहन ही नहीं, बहुत से हमारे दोस्त भी क्लास फेलोज भी हैं. हाँ. अच्छा, एक बात इस प्रोग्राम में और मैं शामिल करना चाहता हूँ जो रह गई है. मेरे अब्बा ने शादी से भी पहले
एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था, वो हमारे सबसे बड़े भाई हुए, उनकी डेथ हो गई है, उनकी डेथ हो गई, जफर सुल्तान सैयद, और उनके दो बेटे थे, उन दोनों बेटों को भी अब्बा ने डॉक्टर बनाया, सलमान जफर और फुरकान जफर, फुरकान के भी रिसेंटली कैंसर में डेथ हो गई है, फुरकान की शादी भी अब्बा ने, यानी 38 के अलावा गिनती में और आ गए, जो अडॉप्टेड अडॉप्टेड हो गए, अडॉप्टेड बेटे के जो बच्चे हैं ना, चार और हैं, हाँ, तो ये तो 42 हो गए, तो वो मैं गलत गिनती गिन रही हूँ, 42 डॉक्टर्स, वो जो भैया थे हमारे, वो क्योंकि उस जमाने में जब अडॉप्ट किया था तो वसाइल नहीं थे, हाँ, तो हाँ, दूसरा काम इंश्योरेंस में चले गए, और उन्होंने हाँ, अच्छा काम किया, बहुत कमाया, और वो भी चैरिटी के काम में जब तक जिंदा रहे शामिल रहे, जबरदस्त। मैं यहाँ एक बात बार बार ये दोहरा रही हूँ कि वो लड़कियाँ जो तालीम हासिल करती हैं मेडिकल की या किसी और शोबे से वो मुंसलिक होती हैं, फिर वो शादी के बाद वो छोड़ देती हैं वो फील्ड। मैं यहाँ एक जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर नहीं है, मैं इनको भी ये क्रेडिट देना चाहूँगी। आप प्लीज़ बता रही थी ना मुझे ब्रेक के दौरान कि आपने मेडिकल किया और उसके बाद क्या हुआ? नहीं नहीं, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने MBBS नहीं किया, और मैं अभी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा, और मेरी शाम को क्लासेस होती हैं। आपकी शादी पहले हो गई थी, लाइक पढ़ाई के दौरान? मेरी शादी ग्रेजुएट होते ही हो गई थी, फिर मैंने 7 years का ब्रेक दिया था बच्चों की वजह से, एंड नाउ आई स्टार्टेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर 7 years। तो मेरी शाम को क्लासेस होती हैं, मेरे हस्बैंड के पास मैं बच्चों को छोड़ के जाती हूँ, ये बेबी सिटिंग करते हैं, तो मैं पढ़ती हूँ, और मेरे एग्जाम्स के टाइम पे भी ये बच्चों को लेके चले जाते हैं। कह रहे फेल नहीं होना। नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी GPAs आ रही हैं, और मेरे एग्जाम्स के टाइम पे भी ये बच्चों को लेके दो दो तीन तीन घंटे के लिए कहीं चले जाते हैं, सो दैट आई गेट टाइम टू स्टडी। और आपके बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे? मेरी बेटी वो है, ये छोटी वाली 3 years old। ओह माय गॉड, यार प्लीज दिखाएं जरा क्यूटी को, ये इस छोटी बच्ची के साथ जब ये पढ़ाई कर सकती हैं तो मेरी औरतें क्यों नहीं कर सकती। शी वाज ओनली 2 years old व्हेन आई स्टार्टेड, और ये मेरा बेटा है, ही इज 8 वो 7 years old। हाँ तो टाउन ना तो बिहारो टीवी पे बता दो राके को, नाम बताओ किसको, क्या नाम है उसका? ध्यान असद आरिब, नहीं नहीं, हिज नेम इज आरिब एंड शी इज मेरा। हां असद और हमजा बोल दिया, वो तो बोल दिया मैंने असद, नहीं हमजा रो रहे हैं अब, हमजा भाई, हमजा हेलो ऑस्ट्रेलिया वाले। अच्छा, तो ये मैं यहाँ बताना चाह रही थी कि देखिए खवातीन जो हैं उनकी यंग एज में शादियाँ भी कर दी, मगर ये ऐसा नहीं है कि उनको बिठाया हुआ जो अच्छा पूरा बच्चे भी साथ हो रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है, और यही दुनिया है। आप औरत मल्टीटास्किंग होती है, शायद मर्द नहीं मल्टीटास्किंग हो सकता, ये क्रेडिट मैं औरत को दूंगी कि वो मल्टीटास्किंग होती है, वो पढ़ भी सकती है, वो घरदारी भी संभाल सकती है, वो बच्चे भी संभाल सकती है, सिर्फ थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है मर्द की। हम हमेशा कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो मैं ये भी कहूँगी कि कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ भी होता है, वो पूरे ससुराल का हाथ होता है, मैं कहती हूँ पूरे महके का हाथ होता है। तो औरत को खड़ा करने के लिए ख़ानदान एक्चुअली होता है, जैसे आपकी अम्मी को खड़ा करने के लिए पूरे ख़ानदान ने मदद की, कभी नानी आ गई, नानी ने वो ये वाला शरारती बच्चा संभाला, तो बहुत अच्छा संभाला। हाँ, अभी आपको पता है ये छोटी बाद में मतलब तेल नहीं लगाया सही तरीके से। सुनिए, ये भी तो कहते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई इतनी सख्त होती है कि बाल झड़ ही जाते हैं, वैसे ये भी मेरे सुनने में आया है, तो शायद आप तो दो तीन दफा फेल होके फिर ज्यादा पढ़ना पड़ा। ऐड करना चाहूंगा जी, अभी आपने बात की थी विमेन एम्पावरमेंट की, तो ख्वातीन के लिए तालीम और एम्पावरमेंट बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और एग्जांपल ये है कि अम्मा ने पढ़ लिया, हाँ, तो फिर हम सब लोग पढ़ के यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल। और दूसरे ये कि एम्पावरमेंट की वजह से उन्होंने अपने आगे पीछे 100-150 लोगों को, सारे रिश्तेदारों को पढ़ाया लिखाया, हाँ, शादियाँ की, सिर्फ इसलिए कि शी वॉज एम्पावर्ड। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वो लड़कियाँ जो पढ़ लेती हैं, चाहे MBBS चाहे कुछ भी हो, तो शी इज़ एम्पावर्ड, लेकिन वो घर ना बैठे हो, हाँ, क्योंकि वो एक सोसाइटी के बहुत ही फाल रुकन है, तो वो कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इज अ मस्ट, चाहे जिस लिहाज से, चाहे पैसा कमाने के लिए हो या वैसे हो, लेकिन सबको, हर जवान मर्द औरत जो भी जो हाथ पांव सलामत हैं,
दे मस्ट कंट्रीब्यूट. मैं यही कहती हूँ औरत को, हमारे हमारे यहाँ जो ऑब्वियसली पॉपुलेशन है उसमें औरतें ज़्यादा हैं इस पॉपुलेशन में. और मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान आगे जा सकता है अगर मर्द और औरत दोनों मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन रेट औरत का ज़्यादा है इस मुल्क में. और आप देखिए आधी पॉपुलेशन बैठी हुई है और आधी कमा रही है, तो फिर कैसे हालात बेहतर होंगे. पूरी दुनिया में होता है मर्द औरत दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, अपने बच्चे भी संभाल रहे होते हैं, मगर हमारे यहाँ ये चीज़ है. अच्छा साथ एक में थोड़ी सी मजे की चीज ऐड इन करना चाहूंगी. जी जी के बारे में फारस बता दूं कि अम्मा हमारी फैमिली फिजिशियन थी. जी किसके बारे में हम कह रहे हैं? अम्मा के बारे में, आपकी अम्मी के बारे में. फैमिली फिजिशियन थी और बहुत अच्छी डॉक्टर थी. आजकल के बहुत से डॉक्टरों की तरह बदतमीज नहीं थी, बहुत काइंड थी. हाँ. अच्छे से बात करती थी और एम्पावर्ड थी. उनके पास अपने पैसे थे. हाँ. तो बहुत से गरीब मरीजों की मदद भी कर देती थी. अभी मैं एफआरसीओजी हो गया हूँ, मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, बोलते हैं ये तुम्हारा अम्मा ने देखा था, इसको तुम देखो. ये नहीं हाँ. देखते कि मेरी डिग्री क्या थी. हाँ. बोलते हैं कि तुम्हारी अम्मा अच्छी डॉक्टर थी. तो ये अच्छे डॉक्टर की खसूसियत होती है. अच्छा मैं उनकी तस्वीरें प्लीज दिखाना चाहूँगी. ये है डॉक्टर अतिया जफर, इनकी नानी, किसी की दादी भी होंगी, इनकी वालिदा. और आपको पता है ये छोटी बच्ची मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने आई तो ये मजे में कहते हैं हाँ ये लो तुम्हारी पर नानी. मतलब क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने उनका कैरेक्टर प्ले किया था एक ड्रामे में. अगर वो प्लीज अगर मेरी पिक्चर उसमें आ गई, यही देखिए, ये कोई बहुत सालों पहले की बात है, मैं नहीं बता रही, मेरी उम्र पता चल जाएगी आप लोगों को. हाँ ये मैंने कैरेक्टर प्ले किया था इनकी अम्मी का, इसलिए मुझे इनके खानदान के बारे में बहुत पहले से पता था. और मैं इतनी इंस्पायर हुई थी कि कोई शादी के बाद बच्चों, तीन बच्चों के बाद कोई पढ़ाई कर सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है. तो यहाँ ये प्रूव किया है इन्होंने कि क्यों नहीं हो सकता है. तो मैं औरतों को ये कहूँगी प्लीज़ आप हिम्मत ना हारे. बहुत मुश्किल काम है घर संभालना, बच्चे संभालना, उसके साथ साथ पढ़ना भी बहुत मुश्किल काम है, नो डाउट, लेकिन नामुमकिन नहीं है. जी इस फैमिली की तरबियत के हवाले से, क्योंकि आई एम अ यंग मैन राइट नाउ, अभी हम लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं. यंग डॉक्टर्स में आजकल एक ट्रेंड है अनफॉर्चुनेट सा कि सब बाहर भागते हैं. हम ग्रेजुएट करते हैं, हम दो साल पढ़ते हैं, एवरीबॉडी जस्ट वांट्स टू गो आउट, दे डोंट वांट टू लिव इन पाकिस्तान. एक चीज़ जो मैंने इस फैमिली का हिस्सा होकर सीखी ना, वो ये था कि आप बाहर ज़रूर जाएँ, आप पढ़ें लिखें, लायक डॉक्टर बन के आएँ. ना सिर्फ लायक डॉक्टर, एक अच्छा इंसान भी बने, लेकिन वापस ज़रूर आएँ. हमारे जितने भी बड़े हैं वो सब वापस आए, एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी इज़ डूइंग रियली रियली वेल, नॉट जस्ट अपने लिए बट दूसरों के लिए. तो आई थिंक एज अ यंग डॉक्टर मेरा एम गोल अभी यही है कि मैं बाहर जाऊँगा, जैसे मेरे बड़े भाइयों ने जो यहाँ बैठे उन्होंने किया, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और वापस आना है. जूनियर डॉक्टर्स को ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टरी के प्रोफेशन के साथ जो मिसकंसेप्शंस और जो पब्लिक को गुस्सा जो आता है कि जैसे उन्होंने बताया बदतमीज़ होते हैं वो तौर तरबियत आप बाहर ये सब सीख के जरूर वापस आएं. बिल्कुल, सो दैट यू कैन मेक इट अ बेटर प्लेस. और आपके दिमाग में ये भी बात गूंजती रहती होगी जो उन्होंने कहा जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा. है ना, ये वाली चीज. जी प्लीज, अरे दामाद जी को तो बोलने नहीं दे रहे. एक्चुअली जब हमारी शादी की थी तो शी वाज आल्सो स्ट्रेन ऑफ फोर्थ ईयर एमबीबीएस. हाँ. और मैं उसको नया नया डॉक्टर बना था. अच्छा, आप नए नए बने थे. लेकिन इनके अब्बा साहब ने मुझे घेर लिया. जो भी था, ठीक है, शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. शादी के बाद इन्होंने पढ़ाई की और उसके आफ्टर अ ब्रेक ऑफ ऑलमोस्ट 8-9 years आई वेंट टू इंग्लैंड फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन. अच्छा. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर ये भी वहाँ गई आफ्टर 3 daughters एंड शी आल्सो डिड पोस्ट ग्रेजुएशन इन अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी. तो वो जो तीन बच्चियाँ थी वो किसने संभाली? तीनों को लेके गए. सुना आपके घर में तो हर वक्त पढ़ाइयाँ होती होंगी. बड़ी बड़ी किताबें रखने की जगह नहीं है. बहुत किताबें पढ़ती थी. मैंने इब्ने सफी पढ़ा. हाँ. मैंने बोला पढ़ो ए आर खातून, रजिया भट्ट, कृष्ण चंदर, मुंशी प्रेमचंद. अम्मा ने हमारी बहन का नाम रखा शाहीन, क्योंकि वो अल्लामा इकबाल से बहुत मुतासिर थी. अल्लामा इकबाल का आधे से ज्यादा कलाम उनको याद था. वो बोलती रहती पढ़ने की शौकीन थी. मोमिन और गालिब, ये सारी चीजें शौक पढ़ा पढ़ने का उनकी वजह से. किताबें जरूर पढ़ो इधर उधर की. और मैं हमारे घर में
हम लोग बहुत अमीर नहीं थे, गरीब थे, लेकिन हमारे घर में खिलौना, बच्चों की दुनिया, तालीम तरबियत, ये सारे रिसाले अम्मा अब्बा ला के देते थे, पढ़ो। क्या कोई लाइब्रेरी है या क्या सबकी अलग अलग अच्छा कोई अगर किसी को पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है ट्यूशन तो आप लोग ही पढ़ा देते हो? जी कुछ कह रहे हैं हम लोग के हर एक के घर में जो है ना देयर इज अ ह्यूज लाइब्रेरी, पुरानी पुरानी किताबें, नई नई किताबें, सब कुछ है। मैंने पैकेज क्यों नहीं बनाया है तो मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं जाती आप लोगों का घर और आप लोग सब कौन कौन साथ रहते हैं यानी कि लाइक सब साथ सब नहीं 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 मैंने आपको धर्मदमन बना दिया नहीं आसपास रहते हैं आसपास एक कंपाउंड में तीन रहते हैं भाईजन मैं और शाहीन और वॉकिंग डिस्टेंस पर सफिया फर्दर वॉकिंग डिस्टेंस पर अफिया और ये तो वॉक करके आप तो आराम से चले जाते हो सबसे मिलने जुलने तभी आप लोग कितने कनेक्टेड हैं क्योंकि एक चीज एक बात हो रही है वहां से तो उस कनेक्टिविटी कहीं और से निकल रही है इसीलिए मुझे लग नहीं रहा कि मैं इन लोगों से पहली बार मिली हूँ हालात खराब होते थे ना हमारे घर के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सब आपस में दिलाया करते थे बच्चे भी आ गए बड़े भी आ गए तो डिप्रेशन नहीं होता था क्योंकि खुदा ना खास शहर में कुछ भी प्रॉब्लम है घर में सुकून होता था वाह रे अब्बा का ना यूनाइटेड यू स्टैंड डिवाइडेड यू फॉल बड़ी कुकिंग एक्सपर्ट जो है खानदान में नंबर 1 है ये भी है मेरी दादी ये भी है कुकिंग एक्सपर्ट हां दोनों से केक मास्टर ये बेकिंग मास्टर हां ये बेकिंग या ये मैं खाती हूं ओके जी एक सीटी बजाने वाली टैलेंट आ गया एक भागने वाले आ गए कुकिंग एक्सपर्ट आ गए लिखने वाले भी हैं अफसाने लिखते हैं कौन भाई अरे बाप रे 15 किताबें लिखी इन्होंने इनकी और क्या क्या टैलेंट है खानदान बच्चे कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर बजाते हैं आपके सारे बच्चे अभी घर के सारे बच्चे हमारे वाले जो कभी गिटार कभी पियानो कभी एक वायलिन बजाते हैं कभी और ये चेस बहुत अच्छा खेलते हैं ये वाला माशाल्लाह भाई चेस भी तो आपस में मुकाबला हो जाता है बच्चों का यार कितना अच्छा लगता है ना वाकई अपने खानदान वाले का भी किसी जरूरी है जी मैं डॉक्टर को नचवा नहीं सकती शोभा नहीं है एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में 38 बल्कि 42 हो गए हम बढ़ गई है तादाद बढ़ गई है वो मिसिंग थे वो मुझे पता चल गए 42 डॉक्टर्स इन वन खानदान क्या बात है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ये पूरा आपने पैकेज देखा एक्चुअली इस पूरी फैमिली को यहाँ इकट्ठे करके मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनका ये हॉस्पिटल जिसका नाम है कोही गोट वुमेन्स हॉस्पिटल जो मलीर में वाक़ है ये इन्होंने खुद अपनी प्रॉपर्टी पे बनाया इसको या वहाँ सर्व करते हैं छोटे बच्चे जाके वहाँ अपनी गर्मियों की छुट्टी में इंग्लिश पढ़ाते हैं इन्होंने वहाँ की सफाई भी की है और ये हॉस्पिटल औरतों की मतलब दाइनी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है सारे मसले वो गांवों से गोटों से आती हैं यहाँ फ्री इलाज होता है ये अपनी तनख्वाहों के हिस्से वहाँ डालते हैं फिर ये वहाँ ऑब्वियसली उसके लिए इकट्ठा करते हैं पैसे और जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो अपने जो बाकी बहन भाई बाहर हैं उनको कहते हैं अपनी तनख्वाह में से भेजो तो लाइक मैं ये बताना चाहती हूँ उसको हम लोड शेडिंग बोलते हैं उसको अच्छा आप लोड शेडिंग का वर्ड रखा हुआ है कि वहाँ मंगाओ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ तरबियत स्कूलों से नहीं होती तरबियत घर से शुरू होती है इनके माँ बाप ने जो इनकी तरबियत की है फिर ये आगे चल के अपने बच्चों की कर रहे हैं तो पाकिस्तान को 42 डॉक्टर्स दिए इस ख़ानदान ने और उसके बाद अपने बच्चों को किस तरह तरबियत दे रहे हैं ये किसी तारीफ से कम नहीं फिर साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस ख़ानदान के बारे में ये बताना चाहूँगी कि जो डॉ मेडिकल कॉलेज में जो पहला फ्री ICU यानी सर्जिकल इंटेंसिव केयर था वो डॉक्टर टीपू सुल्तान के नाम पे क्योंकि इन्होंने वो बनाया था और कल ही यानी 30 साल बाद इसकी एक्सपेंशन हुई है तो ये एक बहुत बड़ी बात है ये सारी बातें आई डोंट नो कि आम इंसान तक पहुंच पाती हैं कि नहीं लेकिन पहुंचनी चाहिए मेरे शो पे सेलिब्रिटीज़ आते हैं और मैं इनका इंटरव्यू करती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि उन सेलिब्रिटीज़ से बड़े ये सेलिब्रिटीज़ हैं जो आज मेरे शो पे मौजूद हैं कुछ आप लोग कहना चाहेंगे लाइक जो आम इंसान आपको आम औरत आपको देख रही है कुछ आप लोग कहना चाहेंगे उनको कि हिम्मत नहीं हार सकता इंसान कोई चीज़ बात कहना चाहूँगा जी मैं ये कहना चाहूँगा कि
دنیا میں آپ ترقی کر ہی نہیں سکتے ہیں جی اگر آپ ہارڈ ورکنگ نہ ہوں اور ہمیشہ سچ بولیں. ہمیشہ ایک اچھا ڈاکٹر ہوئی ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات, میں اس پروگرام کے ذریعے اپنے تمام دوستوں کا, میرے ہندوستان میں میری پھوپھی رہ گئی تھیں, ان کے بچے نیو یارک میں ہیں, وہ مستقل طور پہ ہمیں پیسے بھیجتے رہتے ہیں. اس طرح سے بہت سے رشتے دار ہمارے سارے دنیا میں ہیں, دوست ہیں ہمارے سارے, بہت سے ڈاگ کے گریجویٹ ہیں, ایس ایم سی کے گریجویٹ ہیں, کنگ گریجویٹ کے نام ہیں, اس کے لیے ہاسپٹل کے لیے پیسے بھیجتے ہیں, ہاسپٹل کے لیے بھیجتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرتے ہیں. ہم جو ایک لڑکی کو پڑھاتے ہیں, اس لڑکی کی پڑھائی پر تقریباً $100 سال کا خرچہ ہوتا ہے, تو وہ $100 وہ پیسے بھیجتے ہیں ان کے لیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ مل جل کر کے اگر پاکستان کو ترقی کرنا ہے تو لڑکیوں کی تعلیم سب سے اوپر, یعنی ایک عورت کو پڑھانا, پوری جنریشن کو پڑھانا, اپنے گھر میں سب سے پہلے اپنی لڑکیوں کی تعلیم کریں, اور جب لڑکی کی تعلیم ہو جاتی ہے تو اپنے سارے بھائی بہنوں کو بھی پڑھا دیتی ہے. تو میرا میسیج یہ ہے کہ جو لوگ پروگرام سن رہے ہیں وہ اس بات کا سبق حاصل کریں میری والدہ سے, جنہوں نے خود تعلیم حاصل کی اور اپنے ساری بچوں کو, اپنی ساری بہنوں کے بچوں کو, اپنے بھائی کے بچوں کو اور خاندان کے دوسرے بچوں کو, سب کو پڑھایا. کیونکہ میرے والد صاحب اسکول کے ٹیچر تھے, ہیڈ ماسٹر تھے, اسکول چلاتے تھے, اور ساری زندگی انہوں نے بچوں کو پڑھانے میں لگا دیا, اور پڑھنے میں جو بھی پڑھے اس میں سب سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ سب کا اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے شو پہ آنے کا اور لوگوں کو یہ بتانے کا کہ کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے, اگر ہمت ہو, جذبہ ہو اور نیت صاف ہو تو منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے. تھینک یو, بہت شکریہ, خدا حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بتائیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا کہ آج کا شو آپ کو کیسا لگا. گڈ مارننگ.